ध्यान दे जवान, इस परेड के दौरान आपको वेपन के बारे में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले वेपन यानी क्या? जिस औजार का इस्तेमाल कर हम किसी मनुष्य या किसी प्राणी को जख्मी करने के लिए या उसे मार डालने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे वेपन कहते हैं। सबसे पहले वेपन, वेपन यह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है मास डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन वेपन, और दूसरा है हार्मिंग वेपन, हार्मिंग वेपन्स। ध्यान दो, इधर मास डिस्ट्रक्शन वेपन उन वेपन को कहा जाता है जिन वेपन का इस्तेमाल से मनुष्य या किसी प्राणी को शरीर को इंजोर नहीं होती या उसकी ब्लडिंग नहीं होती या किसी प्रकार की हानि नहीं होती। सिर्फ इन वेपन में जहरीली गैस, रेडियोएक्टिव रेज, बायोकेमिकल वेपन्स, इनका इस्तेमाल कर इंसान या किसी पशु को मारा जाता है। उन वेपन को हम मास डिस्ट्रक्शन वेपन कहते हैं। और दूसरा है हार्मिंग वेपन्स, इन वेपन का इस्तेमाल कर हम किसी मनुष्य या किसी प्राणी को आसानी से मार सकते हैं, शरीर को जख्मी कर मार सकते हैं। उन वेपन को हम हार्मिंग वेपन कहते हैं। सबसे पहले मास डिस्ट्रक्शन वेपन में तीन प्रकार के वेपन होते हैं। सबसे नंबर एक है न्यूक्लियर वेपन, NUCL न्यूक्लियर वेपन। दूसरा है बायोलॉजिकल वेपन, और तीसरा है केमिकल वेपन। इसमें न्यूक्लियर वेपन में दो प्रकार के वेपन होते हैं, जैसे कि एक है अणुबॉम्ब, यानी कि न्यूक्लियर अणुबॉम्ब अणुबॉम्ब। दूसरा है हाइड्रोजन बॉम्ब। इन दोनों बॉम्ब में यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय विखंडन, और यहाँ न्यूक्लियर फिशन, यानी कि केंद्रकीय विखंडन। अणुबॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन की अभिक्रिया होती है। दूसरा एक बायोलॉजिकल वेपन, जैसे कि इस वेपन द्वारा सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंसान को जैविक हानि पहुंचाती है। इस वेपन द्वारा सबसे ज्यादा जैविक हानि होती है। और तीसरा है केमिकल वेपन, इन वेपन द्वारा किसी जहरीली गैस का इस्तेमाल कर इंसान या किसी पशु को हानि पहुंचाई जाती है। अब है हार्मिंग वेपन्स। हार्मिंग वेपन्स यह दो प्रकार के हार्मिंग वेपन्स में सबसे पहले जैसे कि अपने 303 राइफल है, SLR राइफल है, इंसास राइफल है, LMG है, CPMG है, GPMG है, AK है, कार्बाइन, M216, M4, M16, etc. ये पूरे वेपन जो है ये हार्मिंग वेपन्स है। इन वेपन का इस्तेमाल कर हम मनुष्य को गोली मार कर या जख्मी कर पर मनुष्य के क्या हम जान ले सकते हैं। इन ये पूरे जो वेपन है ये हार्मिंग वेपन में आते हैं। हार्मिंग वेपन में भी दो प्रकार होते हैं। हार्मिंग वेपन में दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले है स्मॉल आर्मा और बिग आर्मा। स्मॉल आर्मा में भी दो प्रकार के वेपन होते हैं। नंबर एक है स्मॉल कैलिबर राइफल्स, और दूसरा है स्मॉल कैलिबर
caliber launchers, LAUN launchers. स्मॉल कैलिबर राइफल्स में जिस राइफल का कैलिबर 12.7 mm के नीचे होता है या कम होता है, उन सभी राइफलों को स्मॉल कैलिबर राइफल्स में या स्मॉल आर्म में शामिल किया जाता है। और साथ ही स्मॉल आर्म में स्मॉल कैलिबर लॉन्चर्स जो कि 40 mm UBGL 40 mm AGLS, 51 mm मोटार, 2 इंच मोटार, 81 mm मोटार, साथ ही 84 mm CGRL, इन सभी जो AEB 40 mm UBGL में इस्तेमाल करने वाला जो ग्रेनेड है वो उसका कैलिबर जो 40 mm है। AGLS ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्च सिस्टम में इस्तेमाल करने वाला जो ग्रेनेड है उसकी भी कैलिबर 40 mm है। इसका कैलिबर जो मोटार में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है 51 mm मोटार, उसका कैलिबर जो 51 mm है। साथ ही 2 इंच मोटार में इस्तेमाल करने वाला ग्रेनेड का कैलिबर है 2 इंच कैलिबर है। साथ ही जो 81 mm मोटर है उसका कैलिबर जो है 80 mm है, 81 mm है। साथ ही कार गुप्ता रॉकेट लॉन्चर में इस्तेमाल करने वाला जो ग्रेनेड है उसका जो कैलिबर है 84। ये सभी जो कैलिबर्स है, ये सभी जो ग्रेनेड लॉन्चर्स है, ये सभी स्मॉल कैलिबर लॉन्चर्स में शामिल किया जाता है। इन दोनों को, इन ग्रेनेड लॉन्चर्स और स्मॉल कैलिबर राइफल्स को स्मॉल आर्म में शामिल किया जाता है। और इससे अगर किसी राइफल का कैलिबर 12.7 mm से ऊपर हो तो उन हथियारों को हम बिग आर्म में शामिल करते हैं। साथ ही किसी ग्रेनेड लॉन्चर का कैलिबर 100 mm या 100 mm या 3.99 इंच के ऊपर हो उन हथियारों को, उन ग्रेनेड लॉन्चरों को, लॉन्चर को हम बिग आर्म में शामिल करते हैं। अब बताऊंगा स्मॉल आर्म में एक मिनट, स्मॉल आर्म में भी दो प्रकार के वेपन होते हैं। सबसे पहले है ओपन बोल्ट और दूसरा प्रकार है क्लोज बोल्ट। ओपन बोल्ट यानी क्या, जिन हथियारों को कॉक करने के बाद उसके चारों वाले जो पुर्जे है वो पीछे की तरफ रुक जाते हैं, उन हथियारों को ओपन बोल्ट हथियारों में शामिल किया जाता है। जैसे कि 0.303 इंचेस राइफल, 7.62 mm LMG, 0.303 इंचेस LMG, 9 mm कार्बाइन, ये सभी जो वेपन्स है वो ओपन बोल्ट की श्रेणी में आते हैं। साथ ही क्लोज बोल्ट में जिन हथियारों को कॉक करने के बाद चाल वाले पुर्जे आगे की तरफ हरकत करते हैं उन हथियारों को हम क्लोज बोल्ट वेपन कहते हैं। इन हथियारों में सबसे पहले 7.62 mm SLR राइफल, 7.62 mm AKM राइफल, 9 mm पिस्टल, 9 mm कार्बाइन राइफल, 5.56 mm इंसास राइफल, साथ ही 5.56 mm इंसास LMG को इन जो पूरे हथियार है वो क्लोज बोल्ट की श्रेणी में शामिल होते हैं। अब बताऊंगा एम्युनिशन या
आज पूरे देश को, पूरे पूरे वर्ल्ड को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है नाटो में है अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र। दूसरा है यूएसएसआर, यानी क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया और उसके मित्र राष्ट्र। और जो न्यूट्रल देश है, न्यूट्रल देश जो कि जिनके जो परराष्ट्र जो संबंध है वो न्यूट्रल है, ना अमेरिका के दोस्त है ना रशिया के, इन उन देशों को, इन दोनों का सॉरी न्यूट्रल देशों में सबसे पहले आता है हमारा भारत देश, इंडिया, और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। ये दो देश कैसे न्यूट्रल देश है। सबसे पहले अमेरिका के जो एमिनेशन है, जैसे कि है अमेरिका और मित्र देश के एमिनेशन जो है 0.303 कैलिबर वाली राइफल्स, 7.62 mm × 90 mm, ये भी नाटो और नाटो के मित्र देश द्वारा निर्माण किया कैलिबर वाला एमिनेशन है। साथ ही 7.62 × 54 mm, 7.62 × 51 mm, (9 mm × 90 mm), 5.56 × 45 mm। सभी जो हथियार है, ये सभी जो कैलिबर वाले जो वेपन है, उन कैलिबरों का निर्माण अमेरिका और अमेरिका के मित्र राष्ट्र द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। अब बताऊंगा रूस में, रशिया के जो एमिनेशन है 7.62 × 39 mm, 7.62 × 45 mm, 10 mm × 21 mm। इन ये जो कैलिबर जो वाले जो हथियार है वो रूस और रूस के मित्र राष्ट्र द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो जो थर्ड पार्ट है न्यूट्रल कंट्रीज का, स्थिर देश का, इन देशों द्वारा एमिनेशन जो इस्तेमाल करते हैं वो नाटो ने बनाए या अमेरिका बनावटी जो कैलिबर वाले एमिनेशन है ये देश इस्तेमाल करते हैं। साथ ही रशिया द्वारा निर्मित ये एमिनेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है। अब बताऊंगा यहाँ पर आपका जो वेपन का लेक्चर समाप्त है। थैंक यू। अगर किसी बताए हुए वेपन के लेक्चर में किसी जवान को शक